बाबा के तखत के सामने विदेशी भक्त रामदास बैठे हुए थे। वो बाबा के लिए कुछ संतरे लाए थे, उसे उन्हें अर्पित कर दिए। बाबा के तखत पर भक्तों द्वारा लाए गए फल और मिठाइयाँ रखी हुई थी। बाबा ने रामदास द्वारा लाए गए संतरों को एक एक कर उठाना शुरू किया, जैसे उन्होंने कभी संतरे देखे ही नहीं हो। उनका उत्साह देखते ही बनता था। जैसे ही एक संतरा छीला जाता, उसे झपट लेते और जल्दी से खा लेते। इस तरह उन्होंने देखते ही देखते 8 संतरे खा लिए। बाबा के आदेशानुसार एक स्कूल के अध्यापक ने शेष 4 संतरे रामदास को खिलाए। बाद में आश्चर्यचकित रामदास ने अपने एक भारतीय मित्र से बाबा के इस विचित्र आचरण के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार बाबा रामदास जी के कर्मों को अपने ऊपर ले रहे थे। ये उनका अपना तरीका है और इसी विधि से वे अपने भक्तों को बुरे कर्मों से मुक्त कर देते हैं। बाबा के सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं थी। बाबा हवन अग्नि है जो हमारे कर्मों को लेकर भस्मसात कर देते हैं। जय हो नीम करोड़ी बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो, सदा ही जय हो।